एक चीज़ ये है कि मुझे उस पर इतना भरोसा है कि वो हमेशा मुझे सबसे सिंसियर मशवरा देगा, ठीक है। मतलब वो जैसे अगर मैं आपसे आपके बारे में उससे कुछ पूछ रही हूँ, आपके साथ उसकी जो भी मामला चल रहे हों वो करेगा, तो वो जो मशवरा होगा ना मुझे, हाँ वो मशवरा जो होगा ना वो उस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करूंगी कि यार ये जो मशवरा दे रहे हैं बिल्कुल सही है। आपने मुझसे किसी चीज के बारे में मशवरा मांगा था, कोई इंसान था मेरे उससे उस तरह के ताल्लुकात थे इस तरह आपके, लेकिन मैंने आपको बड़ा न्यूट्रल होकर जवाब दिया कि ये आप करें और आपको ये करना चाहिए और ठीक भी हुआ। अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप दोनों बताए, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। जैनब आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं इस सूट के साथ। हाँ, ये कलर को आज जो है आइडिया हुआ, सब कुछ करते हैं तो बनाते हैं, तो बस ऐसा बना लिया क्योंकि बैक कॉमिंग नहीं करवाती कभी भी, तो उन्होंने कहा चलिए आज करा लो। नहीं नहीं, कभी कभी कराने से अच्छा भी लगता है। आज लोर हलीमा हो से ज्यादा बहन भाई लग रहे हैं, इतना मैच कर लिया बहुत अच्छा मैच, दोनों पर्पल टोन जो है सेम है। मैंने जब सुबह हुमायूं ने मुझे मैसेज किया कि ये कलर पहनना है, तो मैंने एक बहुत लाइट पर्पल सा कलर जो जिसे लेवेंडर भी कहते हैं वो कलर मैंने निकाला, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने कुछ ऐसा पहले ही पहना था, ये वाला जो पर्पल है ये मैंने अभी तक नहीं पहना इन गर्मियों में, तो चलो ये मैं पहन लेती हूँ। और जब हुमायूं आया तो आई वाज इन शॉक क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लाइट वाला पहनेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप लोग पिक्चर्स शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ कि ये वाला आखिर नहीं आई, सुबह से वेरोट के पिक्चर्स भी शेयर करें, एक दिन पहले भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट लाइफ में भी इंक्लूड, पूरा दिन नहीं साथ होते हम, मेरे लिए तो पूरा दिन दो घंटे आप लोग साथ करना शुरू कर दो। कितनी जिंदगी है मेरी, अपनी जिंदगी हम बहुत खुश अलग अलग अपनी जिंदगी में। आज क्या बना रही हो? आज हम बना रहे हैं बन कबाब, क्योंकि कल आपने मुझे कपकेक खिलाया, कल आपने मुझे केक भी खिलाया, आपने मुझे मना नहीं किया कि हुमायूं बस कर दो ये क्या करो। फिर मैंने जाकर मैंने एक चॉकलेट केक का स्लाइस खाया, मैंने चीज केक का एक स्लाइस खाया, कल मीठे मीठे और जिम में मेरा पेट ना जहाँ चल रहा हिल रहा और मुझे इतनी शर्म, क्योंकि ऑफकोर्स आप स्किन टाइट पहनते हो जिम में चीजें, तो वो इतनी बुरी लग रही थी और मैं सिर्फ जिम में परेशान रहा कि मेरा पेट, बाकी लोग जो है वो बड़े स्लिम लग रहे होंगे उस टाइम आप यार वो लगे ना लगे। और आपको पता है मेरी बॉडी स्ट्रक्चर भी इस तरह का है कि मैंने बड़ा कैलकुलेटेड रखा हुआ है, अब वो चीज निकल आती तो आप धुलन धुलन इतना बुरे लग रहे हो। नहीं, वो तो आप मीठा ना भी खाए तो वैसे ही निकला हुआ है। मेरी काम कर लिया मैंने। अच्छा हो गया, हो गया। क्या बदतमीजी हो रही है। अच्छा आप कह रहे हैं ना वो मुझे पसंद नहीं कर रहे, तो मैंने फिर ये बात तो कर दी थी। भैया मुझे अच्छी लगती है। बन कबाब में आप क्या क्या डालते हो? जो मैं इंडिया की बात करूं वहां पे मेरे वाले मसूर साल आपको क्यों हो रहे, क्या क्या रीजन है इसकी? इंडिया में जो मैंने देखा है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में, कराची की बात कर जाए उसी सब कॉन्टिनेंट के उस एरिया की, तो वहां पे बन कबाब एक सबज दो सबज मिर्चें डाली जाती हैं, एक सॉस खास किस्म का और मोटा सा जो कबाब डाला जाता है, एंड दैट्स इट, वो होता है बन कबाब। लेकिन वो मजे का बहुत ज्यादा होता है। हां अच्छा, नहीं उस तरह का नहीं होगा। हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम आलू और चनों के की पेस्ट बना के और हम उसका कबाब बनाएंगे, ठीक है। और कुछ मजे का ना हुआ वो पेस्ट तो और अभी बनाऊंगी कबाब भी। हाँ अभी बनाऊंगी। दूसरा ये कि उसका ये चीज होती है कि दो तीन तरीके से होता है। एक तो होता है कि अंडे को बहुत ज्यादा फेंटा जाता है, फ्लफी किया जाता है और उसके अंदर कबाब रखा जाता है और वो अंडे के साथ जो है बन कबाब सर्व करते हैं। एक तो ये चीज होती है और एक चीज होती है जो सब्जियों के साथ या दालों के साथ, चने की दाल के साथ भी बनता है। मैं भी यहाँ पे चने यूज कर रही हूँ, चने की दाल के साथ भी कबाब बना के वो भी यूज कर सकते हैं। इवन जब हम बीफ का भी बनाते हैं उसमें भी थोड़ी सी चने की दाल। कुछ ये होता है कि चिकन के साथ आलू चिकन और दाल ये भी होता है, तो बहुत सारे इसके जो है तरीके हैं आप बन कबाब बनाने। कराची में कौन सा यूज होता है ज़ैनब? बिकॉज़ मैंने कराची का बन कबाब खाया हुआ है, वो बहुत अच्छा था। उसमें चने की दाल और आलू का जो है वो ज्यादा मिक्सचर जो है वो बना हुआ होता है उसमें होता है। बाकी ये इमली की चटनी और जो सबस चटनी होती है उसका मिक्सचर जो है वो डला हुआ होता है। अच्छा मैं भी सादा बर्गर खाना पसंद करती हूँ, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है।